पतरातु पीटीपीएस बुक स्टॉल के पास स्थित रामनाथ प्रसाद के दुकान में बनी चंद्रकला एवं समोसे की खुशबू तथा स्वाद पूरे क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज तक फैलती नजर आती है, क्योंकि इनके यहाँ की बनी चंद्रकला और समोसे की ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैली है। लोगों की लंबी कतारें इस बात की गवाही खुद देती है। लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते हैं, फिर भी समोसे और चंद्रकला खाने के लिए कहीं और जाना पसंद नहीं करते। इनके यहाँ के खोवे से बनी चंद्रकला और समोसे में न जाने ऐसे कौन से मसाले डालते हैं रामनाथ प्रसाद, जिसकी भीनी भीनी खुशबू लोगों को अनायास ही अपनी ओर खींचती है। इनके समोसे और चंद्रकला के स्वाद की चर्चा सभी की जुबान पर इनके स्वाद जैसी बैठ गई है। लोग यहाँ के बने चंद्रकला और समोसे पैक करवा कर अपने घरों में शौक से लेकर जाते हैं। समोसे की चटनी की तो अलग ही बात और स्वाद है। पतरातु से जय किशन पाठक की रिपोर्ट। भैया आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम रामनाथ प्रसाद। रामनाथ जी, आपके यहाँ का चंद्रकला काफी लोकप्रिय हो गया, सभी लोग आते हैं और काफी भीड़ रहती है आपके दुकान में। क्या खासियत है, क्या किस तरह से बनाते हैं कि लोग खींचे आते हैं आपके चंद्रकला को खाने के लिए? देखिए, चंद्रकला कोई जो ओरिजिनल सामान देगा उसमें क्वालिटी रहेगा, अच्छा लगेगा। सामान में क्वालिटी अच्छा रहने से स्वाद अच्छा लगेगा। इसी कारण लोग अच्छा स्वाद लगता है, लोग आते हैं। मतलब आप पूरी तरह आश्वस्त रहते हैं कि आप जो भी चीज देते हैं बिल्कुल ओरिजिनल चीज देते हैं, इसलिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। आपके समोसे भी काफी प्रचलित हो जा रहे हैं और आप खास तौर पे आपके समोसे के साथ जो आप चटनी देते हैं वो काफी लोकप्रिय हो गए। क्या ऐसा डालते हैं, लोग उंगली चाटते हुए खाते हैं उसको? क्या डालेंगे, जो सिर्फ हम तो लहसुन प्याज से कोई मिश्रित कोई सामान नहीं देते, शुद्ध शाकाहारी चीज होता है। जी जी। और क्या रेट रखे हैं आप चंद्रकला का? चंद्रकला अभी फिलहाल 12 रुपए पीस बिकता है, समोसा 7 रुपए पीस। हम लोग अक्सर देख पाते हैं कि आप लोगों को फुर्सत नहीं मिल पाता है शाम के वक्त, खास शाम का नाश्ता का टाइम है, आराम से थोड़ा सा भीड़ रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम जी, किलो है 40 रुपए पीस है। 40 रुपए पीस है तो आइए। पतरातु प्रखंड के लबगा पंचायत के मुखिया शिव प्रसाद मुंडा के द्वारा पंचायत के विकास के लिए किए गए हैं कई कार्य। शिव प्रसाद मुंडा ने पंचायत के विकास में नहीं छोड़ी कोई कसर। बिना थके बिना रुके लोगों की समस्याओं पर हर समय रहे उपलब्ध। चारों ओर विकास के कार्य पूरे लबगा पंचायत में साफ तौर पर देखी जा सकती है। चाहे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने की बात हो, वृद्धा पेंशन लागू करवाने की बात हो, या महिलाओं को विधवा पेंशन दिलाने की बात हो, सड़कों का सुंदरीकरण की बात हो, पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाकर क्षेत्र को किया जगमग। कई डोभे एवं कुओं का निर्माण कर किसानों को दिया खेती करने का सुअवसर। पूरी पंचायत में सोलर युक्त पानी की टंकी बैठाकर पानी की समस्या को किया दूर। जन चौपाल लगाकर सुनते आए हैं गरीबों की समस्या एवं यथासंभव सब समस्याओं का किया निदान। पंचायत के लोग इन्हें सबसे उपयुक्त एवं कर्मठ उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, क्योंकि पूरे पंचायत में ही नहीं कोई बचा ऐसा जिसका काम न निकला हो। शिव प्रसाद मुंडा ने इसका समाधान निकाला है। भला लोग दूसरे उम्मीदवारों की ओर देखे भी क्यों, क्या कुछ नहीं किया है पंचायत के लिए शिव प्रसाद मुंडा ने? आधी रात के समय भी लोगों की मदद के लिए हर वक्त हर समय खड़े रहे शिव प्रसाद मुंडा। किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करने की बात हो या फिर गरीबों के घरों में मातम का दुखद समय, सबने हर समय पाया शिव प्रसाद मुंडा को अपने साथ खड़ा। इसीलिए दोस्तों, शिव प्रसाद मुंडा ने पूरे पंचायत के लोगों से आग्रह किया है कि दोबारा उन्हें मौका देकर अपनी सेवा करने का एक अवसर पुनः प्रदान करें।